स्वैग से स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। तो आइए इसी स्वैग के साथ आपको कुछ स्वैगी ट्रिक्स दिखाते हैं, तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। पॉइंट नंबर वन, ये ट्रिक काफी लोगों को पता होगा भी नहीं ना वो कभी ट्राई किए भी होंगे। आप सभी देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं लिपोफका के वेयर हाउस में। अगर आपको लोकेशन नहीं पता तो देख लीजिए। तो चलिए हम इसके आगे जाते हैं। इस ट्रिक में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कैसे हम इस वेयर हाउस के ऊपर चढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स पे चढ़िए, फिर इसी बॉक्स के थ्रू उस बॉक्स पे जंप मारिए जहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, उसके पास चल जाइए। अब अपने दोस्त को बोलिए कि आपके ठीक पीछे खड़े हो जाए। अब जंप कीजिए, फिर से रिवर्स जंप कीजिए। अब अपने फ्रेंड को बोलिए जहाँ पे आप खड़े हुए थे ठीक वहीं पे खड़े हो जाए। आपको इसी तरह इस रॉड के ऊपर खुद को बैलेंस करके रखना पड़ेगा और इसके दौरान आपको पिक करना पड़ेगा और आस्ते आस्ते क्राउच करके मूव करना। अब आपको आराम से इसके आगे बढ़ना है, तो आपको इसमें ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रॉड बहुत पतला है, तो इसमें अब आपको पेशेंट के साथ और अपने माइंड को काम करते करते आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ना है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो अगर आप यहाँ से गिरे तो आपका सारा मेहनत पानी में। तो अब चलिए इस वेयर हाउस के ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं। फाइनली गाइस हम इसके ऊपर और एनिमी नीचे, तो आप देख ही सकते हैं हम यहाँ से आराम से एनिमी को स्पॉट कर सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, इस एनिमी को पता भी नहीं चलने वाला है। यहाँ से आप आधा लिपोफ का देख सकते हैं लेकिन आपको एनिमी नहीं देख सकते। ये पॉइंट बहुत ही रेयर है जो आप शायद ही कहीं देखे होंगे किसी और के वीडियो में। सो गाइस हम अभी जॉर्ज पूल में हैं, तो आप सामने ये पेड़ देख सकते हैं। जी हाँ, हम इसी पेड़ के ऊपर आपको चढ़ के दिखाने वाले हैं, यकीन नहीं होता तो चलिए दिखाते हैं। आपको इस टावर के एकदम टॉप पे जाना है, तो फटाफट चलते जाइए। अब हमें इस रेलिंग के ऊपर चढ़ना है। अब इस रेलिंग के एज पे आ जाइए, अब इस एज से उसके दूसरी एज पे जाइए। अब आपको इसमें करना क्या है, थोड़ी से हल्का पीछे आके एक लंबा रन अप लेके उस पेड़ पे जंप मारना है। तो आपको यहाँ पे फिर से ध्यान से जंप मारना है। तो देखिए गाइस, और ये मैं चला पेड़ के ऊपर। अब आपको यकीन तो आ ही गया हो कि हम कैसे इस पेड़ के ऊपर आ गए हैं। इसमें आपको बहुत एडवांटेज है, जैसे कि आप एनिमी को आराम से मार सकते हैं और वो आपको एकदम भी नहीं देख सकता। आप इसको मारते जाइए, वो एनिमी गोली खा खा के बेहाल होने वाला है और आप हंसते हंसते लोटपोट। पॉइंट नंबर थ्री, जो अब तक का काफी मेरा फेवरेट ट्रिक रहा है, तो चलिए इसे भी आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने लंबा सा बड़ा सा वाटर टैंक है। तो जी हाँ गाइस, हम लोग फिर से वाटर टैंक के ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये ट्रिक बहुत ही ऑसम होने वाला है। अगर आपको इस लोकेशन का कुछ पता नहीं है तो ये हम लोग गटका के पास है, तो देख लीजिए गाइस हम लोग कहाँ है, ध्यान से देख लीजिए। देख लिया, चलिए अब ट्रिक को शुरू करते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक बाइक की ज़रूरत है। इसमें आपको बाइक को बहुत ही फुल स्पीड में चलाना है, वो सामने छोटे से ब्रिज के ऊपर उछालना है। तो देखिए गाइस काफ़ी ऑसम लग रहा है, और ये मैं चला इसके ऊपर। तो रह गए ना आप लोग शॉक, तो इसी तरह आप एनिमी को भी शॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे आसानी से सबको स्पेक्टेट कर सकते हैं और यहाँ का फुल लोकेशन का मज़ा भी ले सकते हैं। और इसमें आपको एनिमी का कोई भी खतरा नहीं है, ना ही वो आपको देख पाएगा, और तो मानने तो दूर की बात है। तो इसी तरह आप लोग मरते रहिए, चिकन खाते रहिए। पॉइंट नंबर फोर, ये भी एक पेड़ से रिलेटेड है। कौन सा पेड़, कौन सा प्लेस, चलिए देखते हैं। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं और ये प्लेस रहा स्कूल का अपार्टमेंट। आपको इस वाले अपार्टमेंट चढ़ना है जो कॉर्नर में है एकदम, और सबसे ऊंचा भी है। तो चलिए इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसके छत पे चढ़ते हैं। तो फटाफट चढ़ते रहते हैं। तो देखिए अब मैं आ चुका हूँ इस छत के ऊपर। आपको सामने जो दिख रहा है ये पतला सा रॉड या रेलिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाइए।
आपको इस पर आसानी से और आराम से चढ़ना है जब मारिए। तो सी गाइस, अब हम आ चुके इसके ऊपर। अब ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको कहा आपको वैसे ही फॉलो करना है और आप इसके ऊपर डैम श्योर होने वाले हैं। यहाँ से आप एनिमी को आराम से देख सकते हैं और नॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको एनिमी नहीं देख सकता और नॉक तो बहुत ही दूर की बात है भाइयों। जैसे कि आप देख सकते हैं बंदा मुझे काफ़ी टाइम से ढूंढे जा रहा है, तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं और चिकन लेते हैं। तो सी गाइस, ये बहुत ही आसान और ईजी है, आपको कुछ करना है नहीं, बस आपको पेड़ पर जाकर चढ़ना है और छुपके से बैठना है और चिकन ले जाना है। पॉइंट नंबर 5, ये भी काफ़ी सिंपल और एक हिडन ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लेस कौन सा है नहीं पता, तो देख लीजिए। जी हाँ, ये पुचिंग की है, इसमें आपको कुछ करना है नहीं, बस आपको इसी तरह कार को प्लेस करके रखना है। तो आप इस कार पे जंप कीजिए, फिर कार के थ्रू डोर पे, फिर डोर से रूफ पे चल जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रिक बहुत सिंपल है। जी हाँ, ट्रिक ही सिंपल है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल से स्पॉट नहीं होने वाले। आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप स्पॉट नहीं होने वाले। पॉइंट नंबर 6, इस ट्रिक में हम लोग फिर से बाइक यूज़ किए। जी हाँ, बाइक है तो फिर से कुछ रेयर ट्रिक रहेगा ही। हमारा ये ट्रिक किसी एरिया में बेस्ड है, अगर आपको इसका लोकेशन नहीं पता तो चलिए उसको दिखाते हैं। देखिएगा इसे ठीक मिलता के साइड वाले घर पे है, हम इस घर के रूफ पे चढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपने बाइक पे बैठ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं ये ट्रिक। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग थे आप उसकी लोकेशन प्लीज मार्क कर लीजिए और उसी लोकेशन पे इस बाइक को फुल रफ्तार पे लेके जाइए। आपको यहाँ से उस लोकेशन तक आपको बिना गिरे जाना है, तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो सामने एक छोटा सा हिल है, तो मैं ये उड़ाया मेरे बाइक को और ये मैं पहुँच गया आसानी से इस रूप के ऊपर। अब यहाँ से आप अपनी चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं और एनिमी को मार सकते हैं। साथ ही साथ आपको माइंड में ये भी रखना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में कोई एनिमी है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं आप बहुत ही खुले में खड़े हैं। इसमें आपको एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके आगे पीछे कोई एनिमी रहेगा तो आप इस रूफ का मदद लीजिए, कवर लीजिए और एनिमी को ख़त्म कीजिए। अब आपने सब वीडियोस देख लिया है, तो चलिए अब बारी है अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए। जल्दी जल्दी शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, प्ले पबजी, बाय।